हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज हम लोग जो देखने वाले हैं इस सेंसर के बारे में, ये सेंसर क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है उसको दो हिस्सों में हम लोग ने बांटा हुआ है। पहला जो हिस्सा जो कि आज मैं लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें इस सेंसर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, इसके कैलकुलेशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी, बिकॉज टेक्निकली इसका कैलकुलेशन भी आपको आना ज़रूरी है। तो इसका कैलकुलेशंस और ये कैसे काम करता है, क्या कौन सा सेंसर है, ये सब चीज़ों को आज इस वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में जो कि अगले हफ्ते में आएगा, अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो आपको यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, वहाँ पे आपको इस अगले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी को लेकर एक आर्डिनो के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोग उस प्रोजेक्ट को खुद बना के बेच भी सकते हो। यस, तो वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसको देखना ज़रूरी है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं ये सेंसर के बारे में। लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज मेरे साथ में जुड़ा हुआ है रॉकी। ये रॉकी कौन है? रॉकी जो है वो मेरा रोबोट है, जो कि आज आपको इस सेंसर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला है। यस, आज खाली मैं देखूंगा और मैं कुछ सवालत करूंगा उससे या कुछ समझने की कोशिश करूंगा रॉकी से, और आज रॉकी हमें पूरी चीज़ें बताने की कोशिश करेगा। ले रॉकी भाई, शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल है। अगर इसमें पिन्स की बात करें तो चार पिन्स रहते हैं और यहाँ पे आपको दो स्पीकर जैसा कनेक्शन देखा। हालांकि ये स्पीकर नहीं है, ये साउंड वेव पे चलने वाला एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अगर आपको मालूम रहेगा कि वेल फिश रहता है या बैट यानी कि चंगादड़ जो रहता है वो कैसे काम करता है, वो कैसे फ्लाई करते, उड़ते कैसे हैं, उनकी आंखें नहीं रहती है, आंखें रहती है लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो उनका उड़ने का तरीका ऐसा है, वो एक आवाज़ निकालते हैं और उस आवाज़ के सिग्नल फेंकने के बाद उसको जितने डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब वो रिवर्स आता है, जैसे ही आवाज़ उस उनके तरफ वापस आता है तो उनके कान वो आवाज़ को सुनकर ये समझ लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे, कितने अंतराल पे कोई चीज़ है, वो हिसाब से वो लोग उड़ने का काम करते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये काम होते हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी पे आधार पे ये अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल जो है वो काम करता है। हमारी जो पंडुबलिया जो रहती है पानी के अंदर वो भी इसी प्रकार से चलती है, फिर वेल फिश जो रहती है वेल फिश वो भी इसी प्रकार से काम करने का काम करती है। तो ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल जो रहता है वो इस प्रकार से काम करता है कि इसमें जो चार पिन रहती है, इसमें एक रहती है 5 वोल्ट की पिन, पहली रहती है VCC यानी कि जिसको 5 वोल्ट दिया जाता है, आखिरी में ग्राउंड पिन रहती है जहाँ पर हम लोग प्लस और माइनस बोल सकते हैं, एक ट्रिगर की पिन रहती है जो कि हमारे आउटपुट की पिन रहेगी, जहाँ से हमें आउटपुट का जो सिग्नल मिलता है वो ट्रिगर के ज़रिए मिलता है, और इको जो रहता है वो इनपुट की सिग्नल रहती है, यानी इको से हमें इनपुट देना पड़ता है और आउटपुट जो है हम लोग ट्रिगर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। ये एक जो रहता है वो ट्रांसमीटर रहता है और दूसरी साइड आपको जो दिखाई दे रही है राउंड साइड वो आपकी रिसीवर की साइड रहती है। ओके, तो मैं बताऊँ ट्रांसमीटर क्या है। वो एक प्रकार के सिग्नल को छोड़ने का काम करता है और रिसीवर जो कि रिसीव करने का काम करता है सिग्नल्स को, करेक्ट? हाँ एकदम करेक्ट। सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है ना कि कुछ भी चीज़ अगर बीच में रखी हुई रहती है तो उस ऑब्जेक्ट से वो आवाज़ टकरा कर रिटर्न आता है, और रिटर्न आते समय वो यहाँ पे रिसीव जो रहता है आर वाला जो साइड रहता है और रिसीव वाली साइड यानी RX की साइड उसको सुन लेती है, हाँ कि इतनी देर के बाद। तो ये क्या करता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए ट्रांसमीटर ने जब ही सिग्नल भेजा ऑब्जेक्ट से टकरा कर सिग्नल वापस आया, तो इन दोनों के बीच में कुछ अंतर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, समझ गए। ओरिजिनली सिग्नल यहाँ से गया और रिफ्लेक्टेड सिग्नल यहाँ से आया, तो उन दोनों के बीच में कितना अंतर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। मुझे मालूम है डिस्टेंस। डिस्टेंस समझ में आया क्या है, और ये डिस्टेंस के आधार पे और टाइमिंग यानी कितनी सेकंड्स में और कितने डिस्टेंस से ये रिटर्न आया उसके आधार से ये पूरा कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन आगे अब मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, पाइथन, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप
आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पे केवल मुझे हाय का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन समझना। होता क्या है कि जब भी ट्रिगर एक वेव फॉर्म भेजता है, मतलब 10 माइक्रोसेकंड पे कुछ उसने भेजा और हर 10 माइक्रोसेकंड के बाद एक वेव भेजने का काम करेगा, तो ये 40 किलोहर्ट्ज की, हाँ हाँ बराबर है, इसमें फ्रिक्वेंसी रहती है 40 किलोहर्ट्ज, करेक्ट। उसका जो रिसीव होता है यानी कि आने वाला जो, मतलब वो टकरा कर जब भी वापस आता है तो इनपुट पिन से वो वापस आता है, तो इनपुट पिन जो रहती है ये जब तक कि आवाज़ के सिग्नल वापस नहीं आता है तब तक वो इनपुट की सिग्नल पे हाई रहता है, बाद में लो हो जाता है। ये इस तरह से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टेक्निकल है। हाँ यार वो बात तो सही है, इस तरह समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे ये TX है जिसने सिग्नल भेजा, ओके और ये ऑब्जेक्ट से टकरा कर सिग्नल वापस आया। मान लो कि ये दोनों के बीच का अंतर है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको साउंड की गति से मेजर करने की कोशिश करूँ तो साउंड की गति है, स्पीड ऑफ साउंड कितना रहता है, तो V=340 माइक्रोसेकंड्स। ये 340 माइक्रोसेकंड्स, ओके। ये जो साउंड जो है यानी कि आवाज जो है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो ताकत है, वो 340 माइक्रोसेकंड्स की उसकी समझ गया वैल्यू है, मतलब इतनी ताकत से हमारा जो आवाज है वो ट्रैवल कर सकता है लेगा। अगर मीटर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड, ये मीटर है, एम बोला तो मीटर, ओके। तो अगर उसको सेंटीमीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर के हिसाब से होता है 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड। ओके समझ गया, समझ में आया, समझ गया। मतलब अगर मैं सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर का फासला है लेकिन ये जो आवाज़ जो है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, अगर मैं वो कैलकुलेशन करूँ तो 340 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये जो है आवाज़ मेरा पहुँचता है यहाँ पर, अगर उसको सेंटीमीटर की भाषा में कन्वर्ट करें तो 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड के हिसाब से ये जो आवाज़ के सिग्नल है वो ट्रैवल करता है। ओके, अभी मेरे को अगर उसका डिस्टेंस मेजर करना है, अगर हमें डिस्टेंस मान लो 10 सेकंड, टाइम मेजर करना है तो टाइम का जो वैल्यू रहता है वो रहता है T=S/V। एस का मतलब है डिस्टेंस, वी यानी कि स्पीड। तो यहाँ पे हमें स्पीड मालूम पड़ गया है कि 340 सेकंड्स यानी कि मीटर पर सेकंड्स या 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड्स। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमारा 10 सेंटीमीटर लेता हूँ, हमारा जो स्पीड है वो है 0.034 सेंटीमीटर के हिसाब से माइक्रोसेकंड्स के हिसाब से, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 294 माइक्रोसेकंड्स, करेक्ट। तो ये हो गया उसका डिस्टेंस का वैल्यू 294 माइक्रोसेकंड्स। लेकिन ये एक बाजू की वैल्यू हुई, ये एक साइड की, एक साइड। अगर उसको दूसरी साइड के भी वैल्यू कैलकुलेशन करनी है तो कितना टाइम लगेगा वो अगर चेक करना है, तो अगर डिस्टेंस है तो टाइम इनटू 0.034 डिवाइड बाय 2, इनटू 2 कर देना। तो टाइम की वैल्यू जो है वो 294 माइक्रोसेकंड्स यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, इनटू 0.034 डिवाइड बाय 2, तो मुझे उसका डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस का फासला है ऑब्जेक्ट और हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के बीच। करेक्ट करेक्ट परफेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है यहाँ पे, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन का पार्ट समझोगे तो बहुत अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल आप कर पाओगे। काफ़ी आसान है, काफ़ी मतलब आगे तो काफ़ी आसानी से मैं बताने वाला हूँ उसका रिलेटेड प्रोग्राम, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने आपको ये इतना डिटेल में समझाने की कोशिश की है। यस रॉकी, मैंने सब लोगों को पहले ही बता दिया कि ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले प्रैक्टिकल में यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका कैलकुलेशन का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए और इसको बहुत अच्छी तरह से कैसे सीखा जाए और आर्डिनो में ऐसे इसके रिलेटेड प्रोग्रामिंग कैसे किया जाए, इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले वीडियो को, और दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो अगला वीडियो मिस मत करना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूले, और अगर नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चले आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।